इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एलसीआर सीरीज रेजोनेंट सर्किट। बट अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले लास्ट लेक्चर देखिए, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी की इक्वेशन। इसका रीज़न यह है, इस कंसेप्ट में डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी की इक्वेशन का हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं दोनों इक्वेशन काफ़ी मैच करती हैं, सिमिलर हैं। तो अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन आती है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी की इक्वेशन फॉर ड्राइवन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो आपको इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल दोनों सेम होने वाले हैं, लिटिल बिट डिफरेंस है। आइए देखते हैं। यह है एलसीआर सीरीज सर्किट, जहां पर यह है अल्टरनेटिंग सोर्स, इसको बोल सकते हैं E इज इक्वल्स टू E नोट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग सोर्स है वोल्टेज, यहां पर हो जाएगा ये इंडक्टर कॉइल L, जिसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज है ये VL, यहां पर वोल्टेज हो जाएगा VC, कैपेसिटेंस है C, वैसे ही यहां पर वोल्टेज हो जाएगा ये VR और यहां पर रेजिस्टेंस है ये R। ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, इसी के लिए हमको स्टडी करनी है LCR सीरीज रेजोनेंट सर्किट। तो सर्किट तो ये हो गया। अब आप यहां पर देखेंगे ये टोटल अप्लाइड वोल्टेज है और यहां पर वोल्टेज होगा इंडक्टर के करस्पॉन्डिंग VL, यहां पर हो जाएगा VC यानी कि कैपेसिटर के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज, वैसे यहां पर हो जाएगा R के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज VR। अब हम जानते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये हो जाएगा E माइनस VL माइनस VC माइनस VR इक्वल्स टू जीरो। मतलब अगर आप देखेंगे यहां पर क्या है, ये अप्लाइड वोल्टेज है, सोर्स है, और यहां पर वोल्टेज डेवलप होगा VL, यहां पर VC और यहां पर VR। मैं इसको लिख सकता हूं E इज इक्वल्स टू VL प्लस VC प्लस VR। इसको कंसिडर कर सकते हैं इक्वेशन वन। अब आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास में अगर बात करते हैं VL की, तो इसकी वैल्यू होती है VL इज इक्वल्स टू L DI ओवर DT करस्पॉन्डिंग टू दिस इंडक्टर। यहां पर अगर बात करते हैं I की, तो यहां पर होती है I इज इक्वल्स टू DQ ओवर DT। तो मैं यहां पर I की वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो यहां पर आ जाएगा ये VL इज इक्वल्स टू L। अब आप यहां पर देखेंगे यह आ जाएगा D2Q ओवर DT स्क्वायर। यहां पर ये जो I है, हमने इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दी, बिकॉज I क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यहां पर DQ क्या है, चार्ज है। तो हमारे पास में इतना वोल्टेज डेवलप हो गया। यहां पर अगर बात करते हैं C के करस्पॉन्डिंग, तो यहां पर हो जाएगा ये VC इज इक्वल्स टू Q ओवर C। वैसे अगर आप यहां पर देखेंगे करस्पॉन्डिंग टू रेजिस्टेंस, तो ये वोल्टेज होता है VR इज इक्वल्स टू IR। I की वैल्यू यहां पर ये होती है, पुट कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ये I की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा R DQ ओवर DT। अब हमारे पास में VL की वैल्यू है, VC की वैल्यू है और VR की वैल्यू है और E की वैल्यू भी है। ये सभी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन वन में E की वैल्यू यहां से आ जाएगी E नोट साइन ओमेगा टी, ये वाली वैल्यू। VL की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, VL की वैल्यू कितनी है, ये रही, यहां पर आ जाएगा ये L DT ओवर DT स्क्वायर प्लस। अब मैं देखने यहां पर ये VR की वैल्यू पहले लिख रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा ये R DQ ओवर DT। VC की वैल्यू हमारे पास में ये रही, यहां पर आ जाएगा ये Q ओवर C। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया, हमने कुछ नहीं किया है, VL, VC और VR की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी। ये कहां से आया है, KVL से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किसी भी सर्किट के अंदर टोटल वोल्टेज कितना होता है, अल्जेब्रिक सम जीरो होता है, तो आप यहां पर देखेंगे टोटल वोल्टेज क्या था, ये जीरो के इक्वल था, ये KVL था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हमारे पास में इक्वेशन आ गई। अब मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं, इस L को कॉमन ले रहा हूं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, यहां पर लिख देता हूं मैं इसको, यहीं पर ये आ जाएगा डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर, एल कॉमन ले रहा हूं, प्लस यहां पर आ जाएगा ये आर ओवर एल।
और ये हो जाएगा डी क्यू ओवर डी टी प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये q ओवर एल सी इक्वल्स टू, जैसे मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो देखेंगे यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर अपॉन में आएगा, यहाँ पर भी नहीं है यहाँ पर अपॉन में आएगा, और इसे मैं कॉमन लेकर यहाँ पर भेज दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये ई नोट ओवर एल इंटू यहाँ पर आ जाएगा ये साइन ओमेगा टी। आप ऐसा बोल सकते हैं मैंने इस इक्वेशन को बोथ साइड एल से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी एल, यहाँ पर भी एल, यहाँ पर भी एल और यहाँ पर भी एल, या तो ये तरीका हो गया, या फिर आप ऐसा मान सकते हैं एल कॉमन ले लिया, बात एक ही है। तो आप तो ऐसा ही मानो इस इक्वेशन को बोथ साइड एल से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आ गया एल, यहाँ पर एल से एल क्या हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पर देखेंगे आर ओवर एल, यहाँ पर क्यू ओवर एल सी, हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि आपको लास्ट लेक्चर देख लेना चाहिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का, अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ तो ये इक्वेशन बिल्कुल वैसी ही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये थी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर था ये लैम्डा ओवर एम डी एक्स ओवर डी टी प्लस यहाँ पर था के ओवर एम एक्स इक्वल्स टू जीरो, सॉरी जीरो यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर था ये एफ नोट ओवर एम साइन ओमेगा टी। ये थी इक्वेशन, किसकी इक्वेशन थी, ड्राइवन सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यही थी। अब अगर आप यहाँ पर बहुत गौर से देखेंगे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो जहाँ पर एक्स था वहाँ पर क्यू है, देखेंगे यहाँ पर एक्स 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 तो यहाँ पर कितना है ये क्यू क्यू क्यू, वैसे ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कितना था एफ नोट ओवर एम, यहाँ पर कितना है ये ई नोट ओवर ओवर एल, तो यहाँ पर मैंने कॉन्स्टेंट डिफाइन किए थे, इसको बोला था टू आर, तो यहाँ पर इसको क्या बोल देंगे हम टू आर बोल देंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, हमने जो लास्ट इक्वेशन एक्सप्लेन की थी डिस्प्लेसमेंट की वो ये आई थी, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, अगर इस इक्वेशन से ये कंपेयर हो गई तो मैं दोबारा से सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वेशन सेम है। तो यहाँ पर क्या था ये कॉन्स्टेंट लैम्डा ओवर एम, के ओवर एम क्या थे कॉन्स्टेंट, ये सब कॉन्स्टेंट थे, तो यहाँ पर ये क्या है कॉन्स्टेंट है, ये क्या है यहाँ पर ये एल सी कॉन्स्टेंट, ये क्या है कॉन्स्टेंट, क्या कॉन्स्टेंट है, तो हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पर आर ओवर एल, आर ओवर एल इक्वल्स टू टू आर, या कई बार इसको हम वन ओवर टाओ भी लिखते हैं, कॉन्स्टेंट है। वैसे यहाँ पर देखेंगे एल सी, इसको हमने कंसिडर कर लिया ओमेगा नोट स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन ओवर एल सी, वैसे आप यहाँ पर देखेंगे इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, सब मैंने एज्यूम किए हैं ई नोट ओवर एल एल्फा नोट, ये कंसिडर कर लिया, इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ही आ जाएगा डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस यहाँ पर ही आ जाएगा टू आर, और यहाँ पर हो जाएगा ये डी क्यू ओवर डी टी प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, यहाँ पर आ जाएगा ये ओमेगा नोट स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा ये एल्फा नोट, और यहाँ पर आ जाएगा ये साइन ओमेगा टी। अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो कुछ भी नहीं है, जहाँ पर एक्स था वहाँ पर क्यू है, तो कुछ नहीं करना है। अब हम जानते हैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था कितना था, ये x इज इक्वल्स टू एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइ, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन ये होता है, इसको मैं लास्ट लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब देखेंगे जहाँ पर x था वहाँ पर टोटल q है, इसका मतलब ये आ जाएगा q इज इक्वल्स टू क्यू नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइ। तो दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया था, तो यहाँ पर मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन से मैच कर गई, बट कहाँ पर रिप्लेस हुआ है, जहाँ पर एक्स था वहाँ पर क्यू आ गया, इतना सा रिप्लेसमेंट हुआ है। और एक बात याद रखेंगे, जहाँ पर इस इक्वेशन में हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे, इस इक्वेशन में हम बात करते हैं करंट की। रीज़न, अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो हमको क्या मिलती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ वी इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी। अगर मैं इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो हमको वेलोसिटी मिलती है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, वैसे ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होगा। रीज़न, यहाँ पर क्यू है यहाँ पर एक्स है, ये सॉल्यूशन हो गया। अगर मैं इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे करंट मिलेगी आई इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर
dt। तो जहां पर x था वहां पर तो हमने q पुट कर दिया, और जहां पर v था वहां पर हम i पुट कर देंगे, और हमारे लास्ट वाले रिजल्ट ही वैलिड हो जाएंगे, हमें दोबारा से सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस वीडियो को बस यहां तक देखिए, यहां तक, उसके बाद में आपको नया टॉपिक सीखने की जरूरत नहीं है। आपको तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, वेलोसिटी की इक्वेशन, सिंपल ड्राइवन ऑसिलेटर के लिए सीख लीजिए और यही काफी है, दोनों सेम है। क्या याद रखना है, जहां पर एक्स होता है वहां पर क्यू आ जाता है, और जहां पर वी होता है वहां पर आई करंट, बस यही दो डिफरेंस है। अब देख लेते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में इसके लिए रिजल्ट लिखा था, कितना था मुझे याद है, तो हम लिख सकते हैं क्यू नॉट इज इक्वल टू, देखेंगे यहां पर था एक्स नॉट, यहां पर था एफ नॉट, तो यहां पर आ जाएगा ये अल्फा नॉट इक्वल्स टू, ये होगा स्क्वायर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया मैक्सिमम चार्ज, ये कहां से आया है, तो लास्ट लेक्चर में हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक्स नॉट इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आया था। यहां पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को रोकिए और पहले लास्ट वाली वीडियो देखिए, फिर इसको देखने की जरूरत नहीं है। उसी को देखने के बाद में जहां पर एक्स नॉट था वहां पर क्यू नॉट, और जहां पर वहां पर था एल्फा एफ नॉट, यहां पर हो जाएगा ये एल्फा नॉट, रीजन वहां पर ये वाली टर्म को हमने एफ नॉट माना था, तो यहां पर इस वाली टर्म को हमने अल्फा नॉट माना, बस इतना तक कंसिडर कर लेना, बाकी इसको देखने की दोबारा जरूरत नहीं है। हमारे पास में ये आ गई मैक्सिमम चार्ज के लिए इक्वेशन। वैसे अगर हम चाहें तो करंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करके, कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा डी क्यू ओवर डी टी। इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्यू नॉट क्या है यहां पर कॉन्स्टेंट, साइन का हो जाएगा कोस ओमेगा टी माइनस फाइव, इसका दोबारा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा ये ओमेगा। आप यहां पर देख सकते हैं कुछ नहीं किया मैंने, ओनली इसको डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में, फाइव तो क्या है कॉन्स्टेंट, तो साइन क्या हो गया कोस, इसका दोबारा करते हैं तो फाइव का जीरो हो जाएगा ओमेगा टी का ओमेगा। आप यहां पर देखेंगे ये क्या हो गया आई नोट, और ये हो जाएगा आई, तो मैं इसको लिख सकता हूं आई इज इक्वल्स टू आई नोट, और यहां पर आ जाएगा कोस ओमेगा टी माइनस फाइव। हमारे पास में ये थी चार्ज की इक्वेशन, जिसको हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, और ये हो गई करंट की इक्वेशन। अगर आप यहां पर गौर से देखेंगे, यहां पर क्या है साइन और यहां पर क्या है कोस, तो हम जानते हैं कोस ओमेगा टी माइनस फाइव इक्वल हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू, ये इसके इक्वल होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेंट। अगर मैं इस कोस में साइन में पाई बाई टू ऐड करता हूं तो कोस बन जाता है, तो जहां पर ये है वहां पर मैं ये लिख सकता हूं। रीजन क्या है, हमको फेस चेक करना है, तो हमने यहां पर साइन बना लिया ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेंट। इससे फायदा क्या होगा, आप यहां पर देखेंगे कितना है ओमेगा टी माइनस के फाइव है, यहां पर कितना हो जाएगा ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू, साइन की टर्म्स में आ गया, साइन कोस को हम चेंज कर सकते हैं 90 ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो जहां पर ये है वहां पर मैं ये लिख रहा हूं, तो हमारे पास में आ जाएगा ये आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई टू। आप यहां पर देखेंगे ये है करंट की इक्वेशन, और अगर आप यहां पर बहुत गौर से देखेंगे ये है डिस्प्लेसमेंट यानी कि चार्ज वेरिएशन की इक्वेशन। करंट की बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टर, चार्ज की बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर, ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास में दोनों इक्वेशन है। अब यहाँ पर जो फाई होता है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने फाई कैलकुलेट किया था लास्ट इक्वेशन में, यहाँ पर जो फाई होता है जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, तो फाई की वैल्यू होती है टेन इनवर्स, यहाँ पर होता है टू आर ओमेगा ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको हम मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ड्राइव नहीं किया है, बस क्या किया है ये वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कर ली, और जब कंपेयर कर ली तो दोनों इक्वेशन सेम थी, कुछ पैरामीटर अलग थे, यहाँ पर कांस्टेंट था लैम्डा ओवर एम, यहाँ पर कांस्टेंट है आर ओवर एल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने जब मैच कर ली इक्वेशन को, तो दोस्तों हमने लास्ट वाले जितने भी रिजल्ट थे किसके लिए, इसके लिए वही पुट कर दिए। बस क्या कंपेयर किया, जहाँ पर एक्स था वहाँ पर क्यू, जहां पर f ओवर m था वहां पर कितना है ये e नॉट ओवर l, कुछ डिफरेंसेस हैं बाकी कॉन्स्टेंट अलग है, इक्वेशन पूरी की पूरी सेम है, इसलिए हमने इस इक्वेशन के टोटल रिजल्ट यूज कर लिए जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाए थे।
इसलिए मैं आपसे बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ। तो हमारे पास में फाई की वैल्यू हो गई। अब आप यहाँ पर देखेंगे, बट यहाँ पर कितना है ये डेल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस डेल। अब देखेंगे यहाँ पर डेल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा डेल इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई टू। जब मैं यहाँ पर डेल रखूँगा तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ऐसा हो जाएगा। ये क्या है, फेज डिफरेंस है करंट के लिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं चार्ज से करंट आगे रहती है, लीड करती है कितनी पाई बाई टू। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हो जाएगा फेज किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये हो जाएगी स्टैंडर्ड इक्वेशन चार्ज वेरिएशन की, ये हो जाएगी स्टैंडर्ड इक्वेशन करंट वेरिएशन की। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम करंट आई नोट ये कितनी होगी, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ यहाँ से, आई नोट कितना है क्यू नोट ओमेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये आई नोट इज इक्वल्स टू क्यू नोट ओमेगा, और ओमेगा क्या है यहाँ पर ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है। अब क्यू नोट हम जानते हैं, क्यू नोट हमारे पास में ये रही, तो यहाँ पर आ जाएगा ये आई नोट इज इक्वल्स टू ओमेगा एल्फा नोट। क्यू नोट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं, और यहाँ पर आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगी मैक्सिमम करंट, ये होता है मैक्सिमम चार्ज, ये होती है मैक्सिमम करंट, ये होती है चार्ज की इक्वेशन, और ये होती है करंट की इक्वेशन। ये सब मैंने कहाँ से एक्सप्लेन कर दी, तो ये मैंने लास्ट लेक्चर से एक्सप्लेन किया है, कुछ नहीं किया है। जहाँ पर एक्स था वहाँ पर क्यू, जहाँ पर एक्स नोट था वहाँ पर क्यू नोट, जहाँ पर वी था वहाँ पर आई। रीजन, जब मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझको वेलोसिटी मिलती है बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट है, वैसे जब मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मुझको मिलती है करंट। तो जहाँ पर हम वेलोसिटी की बात करते थे यहाँ पर करंट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे एक्स की, यहाँ पर हम चार्ज की बात कर रहे हैं, बाकी दोनों इक्वेशन सेम हैं। दोस्तों इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इसमें रिजोनेंट कब होगा, किस तरीके से मैक्सिमम करंट होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट को मैक्सिमम होने के लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा, और जिस सिचुएशन में करंट मैक्सिमम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके लिए रिजोनेंस कंडीशन। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर वैल्यू कैसे आएगी, तो हम ओमेगा नोट की वैल्यू जानते हैं, हमने डिसाइड किया ये क्या है अल्फा नोट, कहाँ गया हमारे पास में, ये रहा, एक मिनट देख लेता हूँ मैंने कहाँ पर डिफाइन किया था, ये रहा 2R की वैल्यू ये है, ओमेगा नोट की वैल्यू ये है अल्फा नोट की। हम इन सभी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं एंड इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। कहाँ पर चार्ज मैक्सिमम होगा हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कहाँ पर करंट मैक्सिमम होगी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे ही बात करते हैं रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस क्या होता है, जहाँ पर करंट मैक्सिमम होती है एंड रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, जीरो नहीं बोल सकते हैं, मिनिमम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करेंगे, और अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक तो करते ही जाइएगा। थैंक यू, शुक्रिया।